अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एलियस गर है और आज की इस वीडियो में हम आर्टरियल ब्लड गैसेस को हम समझने जा रहे हैं कि एबीजी को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और इसको हम कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर को हम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंदाज में डिस्कस करें ताकि एक बार जब आर्टरियल ब्लड गैसेस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो इंशाल्लाह आप कभी भी आर्टरियल ब्लड गैसेस को इंटरप्रेट करने में कभी मुश्किलात का सामना नहीं पेश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आर्टरियल ब्लड गैसेस। तो आर्टरियल ब्लड गैसेस को इंटरप्रेट करने से पहले आपको कुछ नॉर्मल वैल्यूज जो है वो आर्टरियल ब्लड की मालूम होनी चाहिए। तो नॉर्मल पीएच जो है आर्टरियल ब्लड की वो 7.35 से 7.45 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मली आर्टरियल ब्लड में होता है वो 35 से 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और बाइकार्बोनेट आयन जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। और आर्टरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो ये नॉर्मल वैल्यू आपने अगर अच्छे तरीके से याद कर ली है तो आर्टरियल ब्लड गैसेस की एबीजीज की जो रिपोर्ट आपके सामने आती है उसको इंटरप्रेट करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिम्ब बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली कुछ बातों को समझते हैं। तो नॉर्मल में आपको इक्वेशन से मैं समझाता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड और ये कार्बोनिक एसिड हमारे ब्लड में टूटकर बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में जाकर क्या हो जाता है, टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनेगा कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में जाकर क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब इक्वेशन के इस तरफ का जो हिस्सा है उसका ताल्लुक जो है वो रेस्पिरेटरी से है। जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की जब भी हम बात करेंगे इक्वेशन का ये हिस्सा जो है वो रेस्पिरेटरी को शो कर रहा है और इक्वेशन का ये पार्ट जो है वो मेटाबॉलिक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अब पहले हम रेस्पिरेटरी को समझेंगे फिर हम मेटाबॉलिक को समझने जाएंगे। तो रेस्पिरेटरी की जब भी हम बात करेंगे इक्वेशन का ये वाला पार्ट हम फोकस करेंगे और मेटाबॉलिक की जब भी हम बात करेंगे हम इक्वेशन के उस तरफ वाले पार्ट को हम फोकस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी में। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एसिडोसिस में क्या होगा, नॉर्मल जो आर्टरियल ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 के दरमियान है। अगर ये पीएच 7.35 से कम हो जाए तो वो एसिडोसिस है और अगर 7.45 से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अल्कलोसिस कहलाता है। अब एसिडोसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पीएच जो है कम होगा, एसिडोसिस की अगर हम बात करते हैं पीएच कम होगा यानी एसिड की तरफ है। अब ये एसिड की तरफ आया कैसे, गौर से जिस्म के अंदर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और ज्यादा से ज्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। और जितना ज्यादा एसिड बनेगा पीएच क्या होगी, उतनी कम होगी क्योंकि एसिड की पीएच कम होती है और बेस की पीएच क्या होती है, हाई होती है। तो हमने कहा कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी
ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा। नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 35 से 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो हाई होगा। जबकि बाइकार्बोनेट आयन जो होंगे जिसका ताल्लुक मेटाबॉलिक से है ये नॉर्मल, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या होंगे बाइकार्बोनेट आयन जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। इसी तरीके से इसको उलट कर दो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के अगर बात करूं तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में पीएच जो है वो ज्यादा होगी, कितनी 7.45 से क्या होगी पीएच ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है और सोचिएगा कम से कम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और कम से कम कार्बोनिक एसिड बनेगा, यानी ब्लड की जो पीएच होगी उसमें एसिड जो होगा वो कम हो जाएगा। एसिड अगर कम होगा तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी बेस की तरफ चले जाएगी, बेस की तरफ चले जाएगी मतलब उसकी पीएच जो होगी हाई होगी। जितना ज्यादा एसिड होगा उतने ज्यादा पीएच क्या होगी कम होगी, तो हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रही है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, कम से कम एसिड बनेगा और कम से कम अगर एसिड बनेगा तो पीएच क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। तो यहां हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा और बाइकार्बोनेट आयन अब भी जो है वो क्या है बाइकार्बोनेट आयन जो है वो अब भी बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। अब एग्जांपल की अगर मैं यहां बात करूं आपके सामने, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है पीएच जो है अगर मैं एसिडोसिस की बात कर रहा हूं तो एक पेशेंट है उसकी पीएच की हमारे वैल्यू है 7.21, PCO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो है वो 66 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और बाइकार्बोनेट आयन जो है उसके 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसकी डायग्नोसिस क्या बनेगी तो सबसे पहले आपने पीएच की तरफ देखना है, पीएच में आपने देखा कि पीएच जो है वो 7.35 से क्या है पीएच जो है वो 7.35 से कम है, इसका मतलब क्या है ये एसिडोसिस है, एसिडोसिस हो गया। अब इन दोनों का फैसला करना है तो आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा है, बाइकार्बोनेट आयन क्या है नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट आयन की नॉर्मल वैल्यू 22 से 26 तक है, ये 24 है ये तो नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बढ़ा हुआ है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ हो पीएच कम हो और बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल हो तो ये जो हमारा डायग्नोसिस बनती है ये है रेस्पिरेटरी, ये बन गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या बन गया ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के लिए मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो है जब भी पीएच फॉर एग्जाम्पल पीएच 7.5 आ रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। क्या बनी डायग्नोसिस, सबसे पहले आपने क्या किया पीएच देखा, पीएच आपने देखा 7.45 से ज्यादा मतलब अल्कलोसिस है, पीसीओ2 देखा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कम है, बाइकार्बोनेट आयन क्या है नॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कम हो पीएच ज्यादा हो तो डायग्नोसिस क्या बनती है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो ये हमारे पास बन गया रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया, ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया। ओके सॉरी ये हो गया रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक पर, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक में हमारे पास जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस
अब एसिडोसिस का मतलब पीएच कम होनी चाहिए, वजन नहीं का। एसिडोसिस का मतलब है पीएच जो है वो कम होनी चाहिए। अब मेटाबॉलिक की बात होनी है, तो मेटाबॉलिक के लिए आपने इक्वेशन का ये हिस्सा देखना है, मेटाबॉलिक के लिए आपने इक्वेशन का ये वाला पार्ट देखना है। अब इक्वेशन के ये पार्ट में गौर से देखो, जितने ज्यादा एच प्लस आयन होते हैं, गौर से सुनिएगा, जितने ज्यादा एच प्लस आयन होते हैं उतना ही ज्यादा पीएच जो होगी वो एसिडिक होगी, क्योंकि क्लास 9 में हम पढ़ते हैं एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एच प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। अब जो चीज एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितने ज्यादा एच प्लस आयन प्रोड्यूस करेगी वो चीज जो होगी उतनी ज्यादा एसिडिक। अब हुआ ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के हम बात करेंगे, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट आयन का लेवल कम हो जाता है। अब बाइकार्बोनेट आयन का अगर लेवल कम हो जाता है तो इस H+ आयन के साथ कोई रिएक्ट करने वाला नहीं होता, तो ब्लड के अंदर H+ आयन जो होते हैं, और सुनिएगा, H+ आयन का जो फ्री लेवल है, फ्री H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा फ्री H+ आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में होगी पीएच जो होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिक होगी। पीएच क्या होगी, उतनी ज्यादा एसिडिक होगी। तो यहां हमने कहा कि बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन अगर कम हो जाएगा तो H+ आयन के साथ कोई रिएक्ट करने वाला नहीं होगा, और H+ आयन के साथ कोई रिएक्ट करने वाला नहीं होगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी पीएच जो होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिक होगी। तो हमने कहा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच कम हो जाती है, बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन, बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि PCO2 जो है वो नॉर्मल होता, क्योंकि इसका तालुक तो रेस पार्टी से था, PCO2 क्या था, नॉर्मल था। इसी तरीके से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की मैं बात करता हूं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की अगर हम बात करते हैं, अल्कलोसिस का मतलब पीएच ज्यादा, 7.45 से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पीएच जो है ज्यादा होगी। अब पीएच ज्यादा क्यों होगी, गौर से देखो, बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल होगा वो ब्लड में, बाइकार्बोनेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में बढ़ गई, उसने ज्यादा से ज्यादा H+ आयन के साथ रिएक्ट कर लिया, और ब्लड के अंदर फ्री H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई, ब्लड के अंदर फ्री H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो जितना ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन होगा उतना ज्यादा वो H+ आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और उतना ही ब्लड में फ्री H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और H+ आयन की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो पीएच क्या होगी, ज्यादा, पीएच जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां हमारे पास क्या होगा, पीएच ज्यादा, बाइकार्बोनेट आयन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा था, उसने ज्यादा से ज्यादा H+ आयन के साथ रिएक्ट किया, और H+ आयन की फ्री H+ आयन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, और H+ आयन जितने कम होते हैं पीएच उतनी ज्यादा, जिसका मतलब बाइकार्बोनेट आयन क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन जो होगा वर्सेस नहीं होगा, बाइकार्बोनेट आयन जो होगा इसमें ज्यादा होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो नॉर्मल होगा, इसका तालुक जो है वो रेस्पिरेशन है। अब इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, जब भी हमारे पास पीएच जो है फॉर एग्जांपल 7.35 से कम हो, 7.2 है, पीसीओ2 जो है हमारे पास जो है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और बाइकार्बोनेट आयन प्रोसेस नहीं का, बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास जो है वजने, बाइकार्बोनेट आयन जो है हमारे पास जो है वो हमें एसिडोसिस है कम करने हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया है 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आप गौर से देखो, पीएच 7.2 है एसिडोसिस, पीसीओ2 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 35 से 45 तक क्या है ये, नॉर्मल है, 35 से 45 तक क्या है ये, नॉर्मल है, ओके, ये PCO2 है वो क्या है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, नॉर्मल है, ओके।
बाइकार्बोनेट आयन के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो बाइकार्बोनेट आयन अगर देखो तो बाइकार्बोनेट आयन 22 से 26 तक क्या होता है, नॉर्मल होता है, कि बाइकार्बोनेट आयन क्या है, कम है। तो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कम है, pH भी कम है, PCO2 नॉर्मल है। इसका मतलब डायग्नोसिस क्या बनी, ये डायग्नोसिस बन गई मेटाबॉलिक, ये डायग्नोसिस क्या बन गई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या बन गई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी तरीके से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की एग्जांपल की मैं बात करता हूं, तो हमारे पास जो है, चलिए यहां कर लेते हैं पीएच, एल्कोलोसिस का मतलब पीएच जब ज्यादा हो जाए 4.5 से ज्यादा हो जाए, मैंने यहां लिखा 7.6। इसी तरीके से पीसीओ2 जो है हमारे पास जो है वो 37 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, पीसीओ2 कितना है 37 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ओके। इसी तरीके से बाइकार्बोनेट आयन जो है, बाइकार्बोनेट आयन जो हमारे पास आ रहा है वो है 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, पीएच जो है वो 7.6 है, मतलब क्या है, अल्कलोसिस, अल्कलोसिस होगी 7.45 से ज्यादा। पीसीओ2 37 है, देखो 35 से 45 तक क्या है, नॉर्मल है, पीसीओ2 इज नॉर्मल। बाइकार्बोनेट आयन की अगर मैं बात करता हूं 40 है, नॉर्मली कितना था 22 से 26 होना चाहिए, यानी बाइकार्बोनेट आयन बढ़ा हुआ है, पीएच भी बढ़ी हुई है, पीसीओ2 क्या है, नॉर्मल है। तो पीएच जब भी ज्यादा हो, बाइकार्बोनेट आयन क्या हो, ज्यादा हो, पीसीओ2 नॉर्मल हो, डायग्नोसिस क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ये हो गए हमारे पास मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गई। तो यहां हमने आज की लेक्चर नंबर 1 में, गौसस में ना, लेक्चर नंबर 1 में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को हमने यहां समझा है। इस वीडियो का जो लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें हम कंपनसेशन को समझेंगे, उसमें क्या समझेंगे, कब रेस्पिरेटरी कंपनसेशन को हम पहचानेंगे, कब हम रीनल कंपनसेशन को पहचानेंगे एबीजी की मदद से, तो उस कंपनसेशन में हम आज के इस लेक्चर नंबर 2 को हम जो है रिकॉर्ड करेंगे, इस वीडियो के फौरन बाद हम अपलोड करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके रखना है, फिर आप लेक्चर 2 देखेंगे तो कंपनसेशन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। याद रहे ये पहचानना थोड़ा सा इजी काम था, लेकिन कंपनसेशन की चीजों को समझने के लिए आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से होना क्या है, जरूरी है। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम रेस्पिरेटरी कंपनसेशन और उसमें हम रीनल कंपनसेशन के कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम